हेलो प्यारे बच्चों, अच्छे हैं सभी? ठीक है ना? तो आई होप कि सब अच्छे होंगे घर पे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगा के ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आज इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या भाई? कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ये इसके लिए भी हम वही चीज़ है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के दो पोस्टुलेट्स का यूज़ करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट, कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम MvR इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 या सेकंड पॉइंट हमारा स्टेबिलाइजेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पढ़ चुके हैं। तो ये भी मैंने बार बार बताया आपको कि स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, Ze²4πε₀ इंटू R² है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस MV²/R। इक्वेशन 2, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या निकाल लेंगे, V V इज इक्वल टू वेलोसिटी चाहिए हमें NH/2πmR। ठीक है, इक्वेशन इसको थर्ड कह दो चाहे आप, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने V की वैल्यू पुट की। और अभी इक्वेशन 1 और 2 से R की वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये वैल्यू हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट वाले में मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार वहाँ से आप चेक कर लें कि इक्वेशन 1 और 2 से हम R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आता है N²H²/4πm(Ze²/4πε₀). ये आएगा आपके पास, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपके पास यही आना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ यही आएगा बिल्कुल। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, ये पूरी वैल्यू R की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो पुट ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन, इसको आप चाहे 4 कह दो, 4 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू, देखो NH/2πm इधर रख लो आप, R की जगह जब वैल्यू पुट कर रहे हैं देखो तो R अपॉन में है, तो ये हमारे पास N²H² तो अपॉन में रह जाएगा, बाकी सब ऊपर जाएगा, 4πm(Ze²), और ये जो इसके अपॉन में था ये नीचे रह जाएगा, 4πε₀। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे पावर से। ठीक है भाई, आपका m कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 से ये 2 और पाई से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v इज़ इक्वल टू आपके पास ऊपर बचना चाहिए, इसको हम k लिख देंगे यहाँ पे ना, तो 2π, एक पाई बच जाएगा इधर, 2π(Ze²) में आपके पास NH और यहाँ पे आपके पास ये, इसको k लिखोगे तो k ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये रहेगा एक, तो ये फॉर्मूला है। या फिर एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे जैसे हम लिखें
टू पाई जेड ई अपॉन एन एच, और के की जगह पे मैं लिखता हूँ वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट। तो फिर आपका ये टू ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा सिर्फ टू, टू पाई से फोर पाई ना। और तो अब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा जेड ई स्क्वेयर अपॉन में टू एन एच एप्साइलन नॉट। ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे एन की वैल्यू रखनी है आपको, बाकी तो कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जेड मतलब जेड तो एटॉमिक नंबर रहता है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी भी वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके और आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू वन लें हम और बाकी वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम हैविंग एन इज़ इक्वल टू वन, तो एन इज़ इक्वल टू वन रखते हुए और बाकी सब कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट करके जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी बेटा, ये आपको ध्यान रखना है 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यदि किसी हायर ऑर्बिट के लिए निकाल रहोगे तो आप एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अपॉन में। आप जैसे एन भी लिखना चाहो तो एन लिख सकते हो भी, एन वन रख रहे हो तो वन आ जाएगा, टू रखोगे तो टू, ओके। इस तरह से आप सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट किसी में भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यदि हाइड्रोजन लाइक एटम है, लिथियम या हीलियम पॉजिटिव आयन या लिथियम आयन, तो वहाँ पे जेड की जगह पे टू या थ्री रख के फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इजी है, डेरिवेशंस को थोड़ा ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।